मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं चुपचाप टेंट के अंदर अपना टेंट को ये पैक कर रहा था और सुन रहा था सर क्या क्या बोले। तो ये जब पब्लिश होगी ना, आप उसको अपलोड करेंगे, फिर मैं कमेंट के कमेंट मारूंगा कि कौन कौन से पॉइंट में मेरा क्या व्यू है। अच्छा। नमस्कार जी, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। हमारी आज की सुबह हुई है बरूट वैली में, हम सब लोग हैं साथ और आज सबने मिलके विकास भाई को घेर लिया है उनकी नई नवेली ऑल्टोरस G4 के लिए। तो देखिए क्या आनंद, क्या माहौल चल रहा है आज सुबह। मैं नहीं देखा जो 16-17 हाईवे में देता है, पहाड़ में दो। हाँ सर, ये तीन, ये वाला तो मरी है जो फैक्ट है वो है, इतना वेरिएशन साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। मैं बोलता हूँ वो ओवरऑल मुझे हो सकता है कि 6 या 7 दिया रहेगा, लेकिन मेरे गाड़ी के मीटर ने दिखाता 3-4 है। 3-4 तो एक एक एरर पता चला ना गाड़ी का, क्योंकि वो एरर नहीं है। अच्छा, क्योंकि क्या है, जब टांकी फुल एम्प्टी हो जाएगी तो वापस वो अपना एवरेज एक्चुअल दिखाएगी। साधारण तो ऐसा ही है कि राजीव भैया देखना चाहिए। ये समझदारी उस दिन कहाँ थी जब रात को हम रास्ता खो गए थे, जबरदस्ती रोक के डीजल भरवाया गया था। भैया आपका गाड़ी चले, क्या हो गया ना, एक वो मुझे इसका अनुभव मैदान जैसा होता है, पूरा अंधेरा में हम मैदान में चले गए ऑफ रोड। सत्यजीत जी क्या बोल रहे हैं, ये गाड़ी कम से कम चाइना बॉर्डर कर रहा हूँ, वो लाइन क्रॉस मत करो, गोली चला देंगे उधर से, और अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, हम रास्ता गोली चलाते हैं, गूगल नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं। उसमें सर का दिखा रहा है 0, हम बोल रहे हैं सर अभी बहुत टेंशन है, रास्ता किधर है, चाइना क्या हो गया है पता नहीं है, डीजल तो था नहीं, कुछ नहीं हुआ गाड़ी। डीजल जो था ना वो 55 मुझे दिखा रहा था रीडिंग, अपना रेंज, वो रेंज 55 के बाद 45 कभी क्या गाय गाय में पता नहीं, और 45 के बाद तो 0-0 हो गया। आपका जो रिजर्व लगेगा ना तब भी गाड़ी में 10 लीटर आपका पड़ा रहेगा। यू आर राइट, तो ये उसके लिए अनुभव होना चाहिए ना, उसके लिए अनुभव होना चाहिए। मैंने तो एक महीने से ओन किया है, वो अगर रिजर्व लग गया तो आपको रेंज दिखाएगा ही नहीं। नहीं, वो पहले कन्फेस किया ना कि मैं ड्राइवर थोड़ा ये हूँ, कार अच्छी है, मेरे बदले कोई और होता तो कुछ बोलता नहीं, मतलब डरता नहीं कुछ नहीं। और मैंने एक महीने पहले खरीदी है तो ये गाड़ी के बारे में मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। अगर वो डीजल अगर मुझे आगे जाके थोड़ा आगे जाके बंद हो जाती है तो उसमें वैक्यूम हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा तो फिर किधर वापस रात को ढूंढेंगे चाइना बॉर्डर पे, वो चाइनीज ही आ जाएंगे घर लेके। जब इसको जब 0 हो जाएगा ना, इसको जब फिल करवाओगे हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना रिजर्व पड़ा हुआ था। अरे था ना, मैंने वो अनुभव इनके साथ वापस इनके साथ ही अनुभव वैक्यूम हो जाता है ना, तो ये सब गाड़ी में वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है आपको पंप आउट करने के लिए। अरे लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं करना है, आपको ही करना है, लफड़ा ये है। आपके बारे में सोच रहे थे, हम आपके बारे में सोच रहे थे। जोजिला हरीश जी गाड़ी लेके चले गए, अरे चढ़ नहीं रही अजय जी, ये क्या करेंगे अभी, मगर इसको 4x4 है, कहाँ है इसका 4x4। हरीश भाई 4x4 कैसे, कोई 2 लगा हुआ 4 कहाँ को बनाएंगे। आइए आइए आइए, पानी के बताशे की स्टॉल रेडी है। देवियों और सज्जनों आइए आइए आइए, अपने व्यस्त काम बाद में पूरे कीजिए, पानी के बताशे खाइए। ओ आइए कैंपिंग में पानी के बताशे खाइए, ये अगर खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। ये देखिए ये लजीज बताशे, क्या बात है, गोल गप्पे पानी पूरी। अरे खिलाएगा कौन सर, क्या समझ रहे हैं आप, ऐसे बिना बताए चले गए। मजा आ गया। सर आइए आइए, लाइन से आइए, भीड़ भाड़ मत लगाइए, लाइन से आइए। ये ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन कितने का नहीं जा रहा है। सर आप तो खा चुके अपने हिस्से का, कैसे खा चुके सर, सब आपके चैनल पे अपना अपना यूट्यूब चैनल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रचार है वो बहुत बड़ा है, तो बहुत दर्शक जुड़ते हैं उसमें से। सर क्यों, तो क्यों, मेरा तो YouTube चैनल तीर मार रहे हैं, मेरा YouTube चैनल नहीं है, ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग एक संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है ओवरलैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर एक मिनट दिखाते हैं ये। तो हमारा वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप जुड़ो हमसे
साथ में ओवरलैंडिंग करते हैं, सीखते हैं। क्या बात, थैंक यू। सर ये करता क्या ओवरलैंड एसोसिएशन, थोड़ा बताएंगे सर इसके बारे में? करता क्या है? हम भी उनके मेंबर हैं। अरे वाह, तो विवेक जी जो करते हैं हम भी वही करते हैं, चलता फिरता घर लेके घूमते हैं, नेचर की जीवन में आनंद है और सबको हेल्प करते हैं लोकल को, गोलगप्पे खाते और गोलगप्पे खाते हैं। कैंपिंग में गोलगप्पे मार ही डालोगे। जा रही हो तुम? बैग पैक कर दूं? एक फोटो ले लो। कर दे रही हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते? फोटो ले लो। तो जी इस प्रकार सबको विदा करने के बाद हमने बिताए कुछ फुर्सत के पल और शाम को होने लगी झमाझम बारिश। तो जी अब शाम हो चुकी है और शाम होते ही जो बारिश ने कहर फैलाया है ना, फैलाया है या कहर बरपाया है, बरसाया है, क्या साथ में ऐसे बताइएगा तो कैसे काम चलेगा? कहर बरसाया है, बरसाया नहीं बरपाया है, हंगामा है क्यों बरपा। अच्छा तो आज बारिश ने अपना कहर बरपाया है और यहाँ पे चल रहा है मम्मा और अब्जी का प्यार। अच्छा मोटी देखो, डबल रोटी जैसी है, देखो डबल रोटी, इसी को खा ले हम। डबल रोटी और यहाँ पे पापा का एडिट चालू हो चुका है, मेरी भी अभी अभी पढ़ाई खत्म हुई है और बाहर चल रही है जोरदार बारिश। हाँ और इस मौसम में तो चाय पीने का तो मन करता ही है। मम्मा बना दे चाय तो साथ में मजा आ जाए। यार क्या है ये बारिश से ना पीछा नहीं छूट रहा, इतनी जबरदस्त होने लगी है बारिश कि हमें ये दोनों खिड़कियां, दोनों मतलब सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ी हैं। और इस बारिश के मौसम में बन रही है गर्मा गर्म चाय जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेडी है। ये फीकी वाली है, ओके इसके बाद बनेगी मीठी चाय। चाय 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 बारिश में चाय। वाह जी वाह, तो गर्मा गर्म चाय रेडी है। अदरक नहीं आ रहा? सारा डाल नहीं आ रहा यार, ठीक आ रहा अदरक का वो क्या कद्दूकस नीचे है, कद्दूकस नीचे है तो मैंने वो छील के डाला है उसे। मैं कारण नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाय में अदरक कम है, इसको कोई बात नहीं, अदरक खत्म हो गया अब।
तो मित्रों इस प्रकार हमारा आज का दिन बीता बरोट वैली में, और आज के जो थंबनेल, जो हमारे व्लॉग का थंबनेल था, उससे कुछ चीजें आपको ध्यान आई, कुछ एक विषय हैं जो मुझे जानकारी में आए आप सबके कमेंट्स पढ़ के, और मुझे लगा कहीं ना कहीं उन विषयों को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि न स्पष्ट करने से फिर ये हो जाता है कि जो फ्लोट हो रहा है वो एकदम सही है, दृश्य कुछ और भी हो सकता है। सबसे पहला विषय मैं लेता हूँ, हमने कुछ दिन पहले एक व्लॉग डाला था और साथ में हमारे एक यूट्यूबर साथी हैं हिमाचली कपल, उन्होंने भी अपना एक व्लॉग डाला था। हम दोनों बिलिंग एक करके एक स्थान है वहां पर मिले थे कुछ देर के लिए, मतलब दिन में वो आए थे, उन्होंने हमें 3-4 घंटे के लिए ज्वाइन किया था, साथ में हमने भोजन किया था, काफी आनंद रहा था, और उसके बाद क्योंकि उनका घर पास में ही है तो वो अपने घर को वापस लौट गए थे। उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने सारी चीजें शूट करी, अपने व्लॉग में उन्होंने डाली, और आपकी शिकायत ये थी कि हमने अपने व्लॉग में उनका कोई भी दृश्य, उनकी कोई झलक क्यों नहीं दिखाई, और इल्जामों की कतार तो इतनी लंबी थी कि क्या आप अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि एक छोटे यूट्यूबर को इग्नोर कैसे किया जाता है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने दिखाया नहीं, आज से मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि आपने हिमाचली कपल को दिखाया नहीं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने पढ़े अपने लगभग 3-4 व्लॉग में, और वाकई मित्रों बहुत दुख होता है जब इस तरह की चीजें पढ़ने और देखने को मिलती है। इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं, शुरू करूंगा कि हमने अपना यूट्यूब चैनल कब बनाया और क्यों बनाया। देखिए लगभग आज से 4 वर्ष पूर्व हमने ये सोचा कि हमें कैंपर वैन लाइफ या वैन लाइफ जीनी चाहिए। जब मैंने ऐसा विचार आया तो मैंने R&D करने की कोशिश की कि भाई कहीं से कोई इनपुट मिले कि भारत में वैन लाइफ परस्यू कर कैसे सकते हैं, पर दुर्भाग्यवश कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि भारत में कैंपर वैन को रजिस्टर कैसे करना है, उसको मॉडिफिकेशन कैसे करें। मुझे लगभग 4 वर्ष से भी और 2 वर्ष का उसके भी पहले 2 वर्ष का समय लगा कि हम इस चीज़ को जान पाएं, समझ पाएं कि भारत में कैंपर वैन कैसे रजिस्टर होती है, उसको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, और भिन्न भिन्न उससे छोटी बड़ी बातें क्या जुड़ी हुई होती हैं। जब हमने अपनी कैंपर वैन बना ली, उसमें ट्रैवल करना शुरू किया, तो हमें लगा कि जो अनुभव हमने अपने जीवन में लिया उसको हमें किसी प्लेटफॉर्म पे साझा करना चाहिए, और यूट्यूब हमें एक ठीक सा प्लेटफॉर्म लगा, और वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई। शेष आजीविका के लिए या अन्य साधनों के लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आजीविका का पैटर्न या आजीविका के साधन बहुत अलग हैं। जैसे कि अभी ये ट्रिप खत्म होगी तो हम लगभग 2-3 महीना 2 महीना जो भी हमारा प्रोफेशन है, जैसे मेरा फिल्म मेकिंग प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन आउट ऑफ दैट प्रोफेशन हम जो भी अर्न करते हैं उससे फिर हम अपने पूरे साल की जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो मीट आउट कर पाते हैं। और अगर आप हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे उतने व्यूज़ ही नहीं आते कि उससे एक घर चल सके। जिस प्रकार की जीवन शैली में हम रह रहे हैं आप अंदाज लगा सकते हैं कि महीने का कितना लगभग एक एक्सपेंसेस चाहिए होते होंगे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में यूट्यूब की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जब हमने फर्स्ट ओवरलैंडिंग मीट करी तो बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी, करीब कोई 10-12-15 ओवरलैंडर साथी थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। हम सब पहली बार एक दूसरे से मिले, बहुत खुशी थी, बहुत उत्साह था, और मुझे लगता है उस समय जो भी कमेंट्स आते थे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, सबको हम सबको बाकी सब लोग जो देखते थे उन सबको देख के अच्छा लगता था। कूनो की थी हमारी पहली ओवरलैंडिंग मीट। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 3 सालों में अच्छा खासा डेवलप हो गया कैंपिंग कल्चर भारत में, हमें भी देख के अच्छा लगता है। पर अच्छा खासा से मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी ओवरलैंडिंग कम्युनिटी बन गई, एक छोटी सी कम्युनिटी डेवलप हुई जिसमें हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध है, जो व्यवहार है, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम सब एक समान विचार के लोग हैं, एक समान विचारधारा के लोग हैं। जब भी हम मिलते हैं हमें एक दूसरे से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें कोई प्रतिस्पर्धा का भाव हमारे मन में, क्योंकि ओवरलैंडिंग मित्रों कोई व्यवसाय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है जिसको लेके हम आपके समक्ष आ रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर ओवरलैंडिंग कर रहा है तो वो अपने जीवन में आनंद भी ले रहा है, और उसके साथ साथ उसमें हम में से कुछ लोग शायद हैं जो उससे अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे जीवन में आजीविका का वो साधन बने जिसमें हमें आनंद भी आए। एनीवेज मैं इतनी लंबी भूमिका मैंने इसलिए बांधी कि जी यूट्यूब हमारे लिए ये नहीं है कि इसको दिखाना उसको दिखाना, इसको नहीं दिखाना उसको नहीं दिखाना, उससे जेलस,
इन सब बातों से तो बहुत ऊपर है ओवरलैंडिंग। दूसरा उस दिन का विषय मैं स्पष्ट करता हूँ क्या होता है जी, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जो बहुत सहज शूट कर पाते हैं, सहजता से जो भी शूट कर पाते हैं, वो अपनी दिनचर्या की वो भाग आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। उस दिन भी क्योंकि उनका घर पास में था, इसलिए हमने उनसे आग्रह किया था कि आप अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा हमें भी। उन्होंने हमारा निमंत्रण, हमारा आग्रह स्वीकार किया और उस दिन के भोजन पे वो हमारे साथ आए। अब क्या होता है जी, देखिए दिन का भोजन सबका बनाना और उसके साथ शूट भी करना, ये कभी संभव हो पाता है और कभी संभव नहीं हो पाता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो उस दिन में पूरी अच्छी खासी धूप थी, तो ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाया कि क्योंकि वो हमारे गेस्ट थे, सो उन्हें हमें होस्ट भी करना था। सो देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आप शूट भी करें और हर एक चीज को दिखाएं भी, मतलब दिखा पाएं भी, आप में उतना सामर्थ्य भी होना चाहिए और फिर उतना समय भी आपके पास होना चाहिए। सो उस समय बहुत ही कट शॉर्ट समय में जो हम कर सकते थे, हमने उनको अच्छा एक आतिथ्य दे पाए, ये हमने प्रयास किया। और ये तो खैर वो भी इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, समझते हैं, आपको नहीं दिखा पाए ये एक अलग विषय रह गया। जब वो अपना उसके बाद उन्होंने अपनी कैंपर वैन में जो पहला भोजन था, हलवा था, वो बनाया, बहुत अच्छा था और मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो लाके हमें हमारी कैंपर वैन में देंगे, क्योंकि मैं उस वक्त कर रहा था एडिट। आपको ध्यान होगा उसी व्लॉग में देखा होगा तो बिलिंग में नेटवर्क नहीं आ रहा था, मुझे पता था कि अगर मैंने टाइम रहते व्लॉग एडिट नहीं किया तो उसको अपलोड हम यहाँ नहीं कर सकते, इट विल टेक एम्पल ऑफ टाइम टू बी अपलोडेड। सो तुरंत जैसे ही भोजन खत्म हुआ मैं तुरंत एडिट पे बैठ गया, जिससे कि आप तक व्लॉग ठीक समय तक पहुंच पाए और उस दौरान भी हम कोई शूट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। सात्विक ने अगर कोई छोटा मोटा किया होगा तो वो अलग विषय है। सो ये सारे विषय थे और इस कारण, और ये केवल एक दिन नहीं, चलिए आपने उनको नोटिस किया कि हमने उनको नहीं दिखाया, पर ऐसे बहुत सारे अनेकों लोग हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चेहरा उनमें से यूट्यूब पर आता हो, मतलब हमारे चैनल पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे आता हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस विषय को इलेबोरेट करने की, जो लोग हमें व्यक्तिगत जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। पर तो भी मुझे लगा कि इस विषय को आपकी तरफ से जो उठा है उसे मुझे स्पष्ट करना चाहिए। बहुत छोटी सी मित्रों ओवरलैंडिंग कम्युनिटी है, प्लीज़ मेरी आपसे हृदय के अंतःकरण से आपसे गुजारिश है, इस प्रकार के कमेंट करके ना, मतलब एक नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा करने की कोशिश न करें। सब जितने भी ओवरलैंडर मित्र हैं, चाहे वो कपिल भाई हैं, चाहे वो हिमाचली कपल हैं, चाहे वो अन्य जितने भी लोग हैं, सबके बीच एक बहुत अच्छा स्नेहिल और मधुर संबंध है, उसके बिना कोई एक स्थान पे कैसे आ सकता है, ये आप भी तो सोचिए ना ज़रा। और आपके कमेंट जो इस प्रकार के भद्दे कमेंट कुछ लोग करते हैं, मतलब कितना मन को दुख होता है, कितनी ठेस पहुँचती है। सुबह सुबह उठें और इस नेगेटिविटी के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सो वापस मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ देश में ये ओवरलैंडिंग कम्युनिटी डेवलप हो रही है, इसको एक पॉजिटिविटी के साथ ही डेवलप होने दें, ऐसी गुजारिश है। और आशा है कि आप मेरी इस गुजारिश को ज़रूर गौर करेंगे और इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। दूसरा विषय ये आया था कि भाई कपिल भाई ने एक ओवरलैंडिंग मीट की थी धर्मशाला में, आप उस ओवरलैंडिंग मीट में क्यों नहीं गए। देखिए हम लोग ऑलरेडी धर्मशाला इन एंड अराउंड जाकर आगे बढ़ चुके थे और हमारे कैंपरवैन फॉर्मेट में क्या होता है कि हम लोग बहुत स्लो मूव करते हैं। आप देखते हैं कि हम 30 किलोमीटर चलते हैं, 40 किलोमीटर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर कुछ दिन वहीं पर ही बिताते हैं, मतलब 3-4-5 दिन वहीं पर ही बिताते हैं। कुछ हमारे ओवरलैंडर साथी होते हैं जो बीच बीच में कभी हमें ज्वाइन करते हैं, फिर वो अपने वापस गंतव्य को चले जाते हैं। और हमें ज़्यादा आनंद आता है जो गांव ग्रामीण परिवेश होता है उसको देखने में और उसको दिखाने में, उसको अपने जीवन में अनुभव करने में, क्योंकि हर पल हम उससे, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और शायद आपको भी देखकर जो इस प्रकार के ग्रामीण अंचल हैं उनको एक, मतलब एक प्रेरणा स्रोत वो हमारे हैं ही। कपिल भाई ने जो ओवरलैंडिंग मीट की थी उसका निमंत्रण मुझे भी उन्होंने दिया 2 दिन पहले, मतलब मीट से 2 दिन पहले भी उनका फ़ोन आया कि भैया आप आइएगा, बट वही था कि उतना लंबा जाना मेरे लिए वाकई संभव नहीं था, तो मैंने उनको हाँ भी नहीं किया, ना भी नहीं किया, पर वो मेरी बातचीत से समझ गए कि हमारा आना थोड़ा सा कठिन है। हम लोगों ने भी इस प्रकार की बहुत सारी मीट पहले करी हैं, उन्होंने भी एक अच्छा प्रयास किया उन लोगों के लिए जो लोग नई कैंपिंग करने का अपने जीवन में सोचते हैं। इस प्रकार की मीट से क्या होता है कि हम लोग आपस में, हमारे व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं,
एक दूसरे की चीजों को हम देख पाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमें आपको किसी को भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए रेदर देन मेकिंग अ टेंस सिचुएशन बिटवीन दैट कि आप नहीं आए मतलब कुछ। ये देखिए, ये डेली सोप्स नहीं है, ये डेली सीरियल्स नहीं है, इससे हमारा कहीं ना कहीं देश का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। ओवरलैंडिंग अच्छी तरीके से हमारे देश में विकसित होगी तो एक अच्छा ओवरलैंडिंग कल्चर भी विकसित होगा जो अल्टीमेटली हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशन में सपोर्ट करने वाला है। सो प्लीज़, मुझे लगता है वापस इन चीज़ों के नेगेटिव अनुमान लगाने से अच्छा कुछ पॉजिटिव जीवन में सोचिए, कुछ अच्छा जीवन में सोचिए। और फॉर श्योर हमारे बीच में सब कुछ, हर एक व्यक्ति, जितने भी ओवरलैंडर्स आती हैं, क्योंकि वापस मैं बोल रहा हूँ एक दिशा में सोचते हैं, इसलिए एक बहुत ही अच्छा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट सबके बीच है। ये सब जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, ये एक नेगेटिव वाइब्स जनरेट करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तीसरा विषय, एक ओवरलैंडिंग एसोसिएशन बनी थी और उसमें भी हमारा जाना नहीं हुआ, हमने सबको बहुत मिस किया, सबने भी हमको मिस किया। और जैसे ही वो इवेंट ख़त्म हुआ, सब लोग साथ बैठे थे, रात को उन्होंने हमें फ़ोन किया कि विवेक भाई बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और जितने लोग ओवरलैंडिंग एसोसिएशन के थे, सबसे हमारी रात में फ़ोन पे एक एक बार सब, अब लीजिए कल्पेश भाई से बात करिए, अब लीजिए हरीश जी से बात करिए, तो इस प्रकार से सबसे बातचीत हुई। बस जाना इसलिए संभव नहीं था, अगेन वैन को कहीं स्टेशन करना और फिर जाना, माता जी बच्चे सबको, सब होते हैं साथ में, सो वो उतना सहज सरल संभव नहीं हो पाता। सो वहाँ पर हम नहीं जा पाए, पर आपने देखा ही कि बरोट में सत्या जी, राजीव जी, जो मतलब राजीव जी उस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, सत्या जी वाइस प्रेसिडेंट है, हम सब लोग साथ में थे, बहुत अच्छा समय हमने साथ में बिताया। सो फॉर अ इंस्टेंस आपको लगता होगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पर ऐसा कुछ चलता नहीं है, कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ देश में एक व्यवसाय की तरह नहीं हो रहा फिलहाल, फॉर नाउ। बाद में क्या होगा वो एक अलग विषय है, बट फॉर नाउ हम सब एक फैमिली की तरह बहुत ही अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं। हम सभी अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं, जितने भी ओवरलैंडर्स हैं, जिनके यूट्यूब चैनल हैं या नहीं हैं, जिनके हैं वो सभी बहुत हेल्दी तरीके से अपनी जो भी जीवन शैली है, जो भी अनुभव हैं, वो आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करते हैं। काइंडली रिक्वेस्ट है, उसको अप्रिशिएट करें, अच्छी चीज़ें उसमें से जो हैं अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो उतारें। शेष देश में हमारी ओवरलैंडिंग कम्युनिटी का एक अच्छा भविष्य होगा, ऐसी हम कामना भी करते हैं, आशा भी करते हैं। और इन्हीं अच्छे वचनों के साथ हम आज के इस ब्लॉग को एंड भी करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। अगले ब्लॉग में फिर यहाँ से आगे के सफ़र के साथ, बरोट से आगे के सफ़र के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।